ये वजह है। अब ये क्या सही होगा, सटीक साबित होगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन चिंता जरूर है ये कि आखिर लोग मतदान को लेकर सीरियस क्यों नहीं थे। तो ये है कांग्रेस की गलतियां जो गुजरात में कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान दे रही है। अब देखना है कि कांग्रेस की जो गलतियां भाजपा गिनाती है, उन गलतियों की वजह से कांग्रेस को कहां कहां आगे होने वाले चरणों में नुकसान हो सकता है। तो का अभाव भी एक बड़ा फैसला हो सकता है, वजह हो सकती है कि मुद्दे नहीं थे। इस चुनाव से पहली बार बालाकोट जैसा ऑपरेशन नहीं हुआ। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। आज भारत एट 9 में दो ऐसे अहम बिंदुओं पर बात करेंगे जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से पहला चरण जो है वो भाजपा जीतने जा रही है। वो गलतियाँ क्या हैं उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन पहले चरण में आखिर वोटिंग परसेंट इतना कम क्यों रहा है, हर कोई इसी पर बात कर रहा है। तो आज हम भी इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रह सकती है, वोटिंग परसेंट क्यों कम हुआ है, क्या वजह है, क्या लोग सरकार बदलना नहीं चाहते, या फिर सरकार से खुश है, या फिर ये बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग ऊब चुके हैं कि सरकारें चाहे कोई भी आए हमारा भला नहीं होने वाला है। भारत में 19 अप्रैल को 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि पहले चरण की वोटिंग के दौरान केवल 60.03% मतदान दर्ज किया गया, जो कि पिछले 10 साल की तुलना में सबसे कम है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले फेज में यह आंकड़ा करीब 66% था। इस बार पहले चरण का मतदान इतना सुस्त रहा कि नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों में 4 लाख मतदाताओं में से एक भी वोट करने नहीं आया। ये सोचने वाली बात है कि 4 लाख मतदाताओं में से एक वोट नहीं पड़ा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के बूथों पर मतदान कर्मी पूरे 9 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन इस क्षेत्र का एक भी वोटर वोट देने नहीं पहुंचा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कहाँ कितने प्रतिशत कम वोटिंग हुई है। वोटिंग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सबसे ज्यादा वोट लक्षद्वीप में डाले गए। यहाँ कुल 83.88% लोगों ने वोटिंग की। इसके बाद में त्रिपुरा में 81.62% और पश्चिम बंगाल में 80% लोगों ने वोट किया। बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत तमिलनाडु का रहा है। यहाँ 69.46% मतदाताओं ने मतदान किया। उत्तर प्रदेश में 60.25%, महाराष्ट्र में 61.87%, राजस्थान में 57.26% और बिहार में 48.88% मतदान हुआ। वहीं मध्य प्रदेश और असम में 67.08% और 75.95% मतदान हुआ। वोटर्स मतदान केंद्र तक आखिर क्यों नहीं पहुंचे, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है उन पर ज़रा सा नज़र डाल लेते हैं। हो सकता है कि भीषण गर्मी की वजह से मतदान कम हुआ हो। देखिए, एक तरफ जहां कम मतदान ने राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की भी चिंता बढ़ा दी है, तो वही दूसरी तरफ विशेषज्ञ प्रचंड गर्मी को मतदान प्रतिशत कम होने का एक कारण मान रहे हैं। दरअसल देश में अप्रैल की शुरुआत से ही कई राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। इस महीने की शुरुआत से ही उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत के कई इलाकों में लू की स्थिति बनी हुई थी। विशेषज्ञों ने तो चुनाव से पहले ही कई बार चेतावनी दे दी थी कि इस साल की गर्मी दुनिया भर में अब तक की सबसे गर्मी होने वाली है। मतदान केंद्रों पर शेड पेयजल का पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मतदाता बूथ तक पहुंचने के लिए घरों से नहीं निकले। वोटिंग के दिन की बात करें तो शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पारा 42.0 था। जागरूकता का अभाव भी एक बड़ी वजह हो सकती है। देखिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में जागरूकता का अभाव भी कम वोटिंग का एक कारण बना है। दरअसल कई गांवों में मतदान केंद्र की दूरी इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर वोटर्स को तो या तो सही केंद्र के बारे में जानकारी नहीं थी या दूरी के कारण उन्हें मतदान नहीं करने का फैसला किया। मुद्दों का अभाव भी एक बड़ा फैसला हो सकता है, वजह हो सकती है कि मुद्दे नहीं थे। इस चुनाव से पहली बार बालाकोट जैसा ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों के मन में राष्ट्रवाद जैसी लहर नहीं है। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलवामा अटैक हुआ था, जिसके जवाब में हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। इस एयर स्ट्राइक ने देश की जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे।
हो सकता है कि नेताओं की बातों से लोग ऊब गए हों कि हर बार वही घिसा पिटा भाषण, न्याय की बात करना, संकल्प की बात करना, गारंटी की बात करना। हो सकता है कि मतदाता से ऊब चुके हों, मतदाताओं को विश्वास ना हो, ये भी मुख्य वजह हो सकती है। नेताओं की बातों से ऊबे लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के सामाजिक राजनीतिक रिसर्च देखिए, कुछ विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि चुनाव एक तरफा होने के कारण भी मतदाताओं के अंदर इस चुनाव को लेकर उत्साह कम नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का विपक्ष मजबूत नहीं है और जितने भी नेता मंच पर भाषण देने पहुंच रहे हैं वो धर्म और एक दूसरे पर निशाना साधते ही नजर आ रहे हैं। प्रचार के दौरान रोजगार, फ्री बिजली पानी के वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जनता इन वादों को पिछले कई चुनावों में सुन चुकी है। ज्यादातर मतदाताओं को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक बार फिर से सत्ता में आने वाली है, इसके अलावा कोई मजबूत विकल्प है नहीं और ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है तो लोगों में उत्साह अपने आप ही कम हो जाता। शादियों का मौसम, क्योंकि देखिए 19 तारीख को पहले चरण का मतदान था, उससे पहले 18 को देश भर में बड़े पैमाने पर शादियां थी। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। इस व्यस्तता की वजह से ज्यादातर लोग अपने अपने बूथों पर नहीं पहुंचे। इसके अलावा मजदूर तबके का पलायन भी मतदान प्रतिशत के कम होने का कारण माना जा रहा है। अब चुनाव आयोग क्या कहेगा, पिछले आम चुनाव से कम मतदान होने को लेकर चुनाव आयोग भी चिंतित है। यही कारण है कि वोटिंग के दूसरे फेज के लिए चुनाव आयोग ने मतदान बढ़ाने को लेकर कुछ नई रणनीतियों पर जोर दिया है। खबरों की माने तो चुनाव आयोग से जुड़े एक सीनियर अधिकारी कहते हैं कि हमने वोटिंग बढ़ाने के लिए कई सारी कोशिशें की थी लेकिन उनका बहुत हद तक नतीजा नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि इलेक्शन कमीशन ने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए सारे प्लान बनाए थे, साथ ही अलग अलग प्रोग्राम के जरिए लोगों को जागरूक किया गया था। यहाँ तक कि जानी मानी सेलिब्रिटीज की ओर से अपील करवाई गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के अधिकारी फिलहाल उन कारणों पर विचार कर रहे हैं कि आखिर ये कारण क्यों विफल रहे जिनके चलते मतदान प्रतिशत नीचे आया। शनिवार रविवार को मुद्दों को लेकर बैठक भी हुई थी, अलग अलग कारणों पर भी चर्चा हुई थी। सुस्त मतदान का असर किस पर पड़ता है ये जानना भी जरूरी है। आमतौर पर अगर चुनाव के दौरान वोटिंग की संख्या बढ़ती है तो उसका नुकसान सत्ताधारी पार्टी को माना जाता है, लेकिन वहीं अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो विपक्ष के लिए खतरे का सिग्नल माना जाता है। ये वजह है। अब ये क्या सही होगा, सटीक साबित होगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन चिंता जरूर है ये कि आखिर लोग मतदान को लेकर सीरियस क्यों नहीं थे पहले चरण में। वजह हो सकती है, देखिए देश की 543 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक मेन बिंदु वो भी है कि कांग्रेस जो है अपने कई कारणों की वजह से पहला जो चरण है वो हार रही है। इस बार बिना चुनाव के ही नतीजे आए हैं, वहां से जीत किसी और को नहीं बल्कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एक सीट सूरत की है जहां कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन कैंसिल होने के बाद बीजेपी ने निर्विरोध ही चुनाव जीत लिया। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी थी, 19 अप्रैल को नामांकन करने की आखिरी तारीख थी और फिर 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते थे। गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी के मुकाश दलाल ने पर्चा दाखिल किया था, वहीं कांग्रेस की ओर से नीलेश कुंभानी उम्मीदवार थे पर उनके साथ खेला हो गया। नीलेश कुंभानी की उम्मीदवारी के लिए 3 प्रस्तावक थे, इनके साथ ही थे जगदीश सावलिया जो नीलेश कुंभानी के बहनोई हैं, दूसरे थे ध्रुविन धमोलिया जो नीलेश के भांजे हैं और तीसरे थे रमेश पोलरा जो नीलेश कुंभानी के बिजनेस पार्टनर हैं। नीलेश की उम्मीदवारी वाले फॉर्म पर इन्हीं तीनों के हस्ताक्षर होने की बात नीलेश ने चुनाव आयोग को बताई थी, पर बीजेपी नेता दिनेश जोधानी की ओर से सवाल उठाए गए कि नीलेश कुमारी के फॉर्म पर जिन 3 लोगों के हस्ताक्षर हैं वो फर्जी हैं और यही वजह थी कि यहाँ पर बिना चुनाव कराए ही कांग्रेस हार गई। तो आप सोचिए कि आखिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। हालांकि बाद में बहुत तर्क दिए गए लेकिन ये कहा जा सकता है कि आम चुनाव की सूरत की यूं भी पहली झलक कहीं ना कहीं दिखाई दी है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कांग्रेस के एक वैकल्पिक उम्मीदवार थे सुरेश पड़साला, लेकिन उनका भी नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया। इस फॉर्म में भी वही गलतियां थी जो नीलेश कुंभानी के फॉर्म में थी। तो ये कहा जा सकता है कि गुजरात में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आती। इसके अलावा एक और उम्मीदवार है जिनका नाम यहाँ पर निकल कर सामने आया है। तो ये है कांग्रेस की गलतियां जो गुजरात में कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान दे रही है। अब देखना है कि कांग्रेस की जो गलतियां भाजपा गिनाती है उन गलतियों की वजह से कांग्रेस को कहां कहां आगे होने वाले चरणों में नुकसान हो सकता है। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया भी अपील करता है कि मतदान जरूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के विकास के लिए, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।